दलितों से क्यों डरते हैं? क्या ये संगठित होकर वोट करते हैं इसलिए डरते? बाकी ताकतवर तो हमसे डरते नहीं हुए, क्योंकि हमारा वोट एक बार नहीं जाता, हम टुकड़ा में बढ़ जाते हैं, इसलिए दलितों से डरते हैं। निर्दोषों को अगर फंसाया गया तो राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर आज तो अनुशासित तरीके से हम एक दिन का पड़ाव कर रहे हैं। अगर मजबूर होना पड़ा तो हमें सशस्त्र संघर्ष करने के लिए मजबूर न करें। तो यूं आप किसी जनप्रतिनिधियों के दबाव में, किसी नेताओं के दबाव में आकर हमारे निर्दोष समाज के व्यक्तियों को अगर आप दोषी साबित करने का प्रयास करोगे तो आने वाले समय में इनसे भी ज्यादा संख्या में हम आप पहुंचेंगे। एक बात कड़वी बात है, फिर भी मैं समाज आज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो समाज की के हमारे जनप्रतिनिधि है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपका अस्तित्व तो समाज के पीछे ना कि व्यक्ति के पीछे। पार्टी से पहले समाज होना चाहिए, पार्टी से पहले आपकी नजर में समाज। अगर समाज आपके साथ है तो ही टिकट मिलेगी, नहीं तो आप कितने भी योगी हो, ये बात होनी चाहिए। क्यों छुप के दूसरों के पास जाके गलियों में खिड़कियों में जाके उनके अंदरों में बैठते हो? चले आइए, पहले मेरा समाज उसके बाद पार्टी। कई दूसरे समाजों के नेता हर आंदोलन में ये कहते हैं, जो समाज का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ये कड़वी बात है, ये भी कहनी चाहिए। कई ऐसे दिन में वहां जाते हैं, सुबह वहां जाते हैं, क्या तरीका, आपको टिकट मिल रही है, ये भी एक सच्चाई है। पार्टी है टिकट उस जाति की संख्या को देख के देती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख के नहीं देती। कितने कितने सुंदर हम योग्य बैठे, हमारे को टिकट देती नहीं है भाई, तुझे बुढ़ा मालाड़ी से मेरे को टिकट देती है क्या? बुढ़ा मालाड़ी से जाट और विष्णु को टिकट देती है, भाई तू से जाट को टिकट देती है, शिव से राजपूत को देती है। जाट को कभी देने की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि वह राजपूत बहुल्य है। तो ये कड़वी सच है, लोगों के सामने आनी चाहिए। आज के प्रजातंत्र युद्ध में वोटों का महत्व है, वोट के पीछे सब भागते हैं। अगर आपके जेब में वोट है तो दुनिया आपके पास आएगी। ये दलितों से क्यों डरते हैं? क्या ये संगठित होकर वोट करते हैं इसलिए डरते? बाकी ताकतवर तो हमसे डरते नहीं हुए, क्योंकि हमारा वोट एक बार नहीं जाता, हम टुकड़ा में बढ़ जाते हैं, इसलिए दलितों से डरते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है, समाज पहले। समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, जो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, इस जाजम पर आने के बाद एक साधारण राजपूत के बराबर वो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट भी उसी प्रकार से होना चाहिए। एक अभी मैं देख रहा था, एक बुजुर्ग आदमी वहां से आकर रोक रहे ना बैठो, और जनप्रतिनिधि आ रहा तो आगे जाकर बैठा क्यों? क्यों समाज की जाजम पर सभी बराबर है, बुजुर्ग का समान होना चाहिए, बुजुर्ग का समान होना चाहिए, योग्य व्यक्ति का समान होना चाहिए। जो राजनीति के रूप से आगे बढ़ते वो समाज की बदबोतर बढ़ते, उनको तो समाज की कदर करनी चाहिए। तो एक बार पुनः आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा कमेटी का सदस्य होने के नाते, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हो, अनुशासित तरीके से अपने को वहां कलेक्टर कैंपस तक जाना। मैं तो ये कहता हूँ कलेक्टर साहब से, कल आपके 2000 व्यक्ति थे, कलेक्टर और SP कैंपस लेने उसके बीच में जाके गए, अब हम 50,000 आदमी है, कलेक्टर SP को मांग करना चाहिए ज्ञापन लेना हमारे पास आइए। अगर आप में सब में ताकत है तो ये मैं मंच के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, प्रशासन ज्ञापन लेने के लिए हमारे बीच में आए, क्योंकि संख्या बल में है, इतने लोग की भावना है कि जब आप 2000 व्यक्तियों के पास गिड़गिड़ाते हुए उनके पास ज्ञापन लेने जाते हो तो हमारे यहाँ पर तकलीफ होती है क्या? समानता होना चाहिए, संविधान, अभी संविधान की बात हुई तो कानून तो सबके लिए बराबर, क्या दलितों के लिए अलग कानून है क्या? स्वर्ण कास्ट के लिए अलग कानून है क्या? तो अगर कल परसों किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर ज्ञापन देने वहां चले गए तो आज आने या आने में आपको क्या तकलीफ हो रही है?
तो फिर आप लोग सब लैसे ही उनका है, जो समाज के लिए उठ खड़ा नहीं हो सकता। मैं तो उनको लाज मानता हूँ, जो घर में बैठे समाज के लिए काम करते हैं। एक बात सुना, जो भी दूसरे जाति बिरादरी के लोग पधारे उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारा संबल बढ़ाया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार पुनः हुंकार होनी चाहिए, जय भवानी, जय।